आप देख रहे हैं आज तक, और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। संगम में डुबकी लगाते हुए नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर आचमन कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं आज तक पर, संगम में किस तरह से स्नान किया, ध्यान किया, पूजा पाठ किया, दोनों हाथ जोड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर। देखिए ये पहली डुबकी उनकी, संगम में डुबकी लगाते हुए नरेंद्र मोदी, और फिर चारों दिशाओं में घूमकर ध्यान करते हुए हाथ उनका, दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हाथ बंधा हुआ है, हाथ जोड़े हुए, और उन्होंने डुबकी लगाई है संगम में, पवित्र त्रिवेणी में, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती, ये जो धारा है अपने आप में बेहद पवित्र मानी जाती है, वो भी तब जब कुंभ का आयोजन यहाँ पर किया गया हो। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो है उनका योगदान है, और ये सिर्फ कुंभ को लेकर नहीं बल्कि स्वच्छता को लेकर जिस तरह, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जो जानकारी हमें मिल रही है सफाई कर्मचारियों से मुलाकात करके। आप देखिए किस तरह से जो पीतल की एक थाली रखी हुई है जिसको पूर्वांचल में परात कहते हैं, उसमें उनके पैर रखकर उसको धोकर उनको साफ करते हुए, और इस तरह की परंपरा सालों से रही है उसको निभाते हुए नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन करते हुए इस बात को याद रखा जाएगा कि और हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कुंभ, स्वच्छ कुंभ का आयोजन संभव हुआ, उनको सम्मानित कर रहे हैं। और अब एक महत्वपूर्ण क्षण और, प्रधानमंत्री उन सफाई कर्मियों को अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। और ये प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सफाई कर्मचारियों से न सिर्फ उन्होंने मुलाकात की बल्कि उनके पैर धोए, उसको तौलिए से साफ किया, और उसके बाद अंगवस्त्र देकर सभी को सम्मानित करते हुए नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसका भी बहुत बड़ा मैसेज है, आपको बता दें स्वच्छता अभियान नरेंद्र मोदी की ओर से 2 अक्टूबर को जो शुरू किया गया था, दरअसल ये जो सफाई कर्मचारी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आज तक की, इनका रोल इसलिए ज्यादा है क्योंकि प्रयागराज में जिस कुंभ का आयोजन किया गया है, दरअसल उसकी तारीफ इसलिए भी की जा रही है बहुत ज्यादा क्योंकि वहां पर सफाई का बेहद खास ध्यान रखा गया है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सराहा जा रहा है इस काम को। देखिए किस तरह से पांव धोते हुए नरेंद्र मोदी, पीतल की थाली है, तांबे का लोटा है और उसमें पानी है, उससे पैर धोकर उसके बाद उन्होंने तौलिए से पैर को साफ किया और फिर अंगवस्त्र देकर इन सभी को सम्मानित किया है। इन तस्वीरों के बहुत मायने हैं, देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह से किसी के पांव पूजता हो, किसी के पांव धोता हो, उसको साफ करता हो, तो यकीन मानिए इसके मैसेज बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इसका असर बहुत दूर तक देखा जाता है। स्वच्छता की ये सिपाही है जिनके पांव धो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों से मुलाकात कर न सिर्फ उनकी तारीफ की बल्कि स्वच्छता को लेकर किए गए उनके कामों की भी खूब सराहना की है नरेंद्र मोदी ने। शिवेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, स्वच्छता के सेनानियों को, स्वच्छता के सिपाहियों को किस तरह से अपनी ओर से कृतज्ञता जाहिर करते हुए नरेंद्र मोदी, उनके पांव धोकर, उन्हें अंगवस्त्र पहनाकर। शिवेंद्र जी, बिल्कुल, देखिए किस तरह ये बहुत बड़ा संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, न सिर्फ स्वच्छता मिशन को लेकर के बल्कि इस बात को लेकर के कि उनके लिए हर तबके का आदमी, चाहे वो स्वच्छता कर्मी हो, चाहे फिर कोई बड़ा आदमी हो, उनके लिए सब सम्माननीय और पूजनीय है। और ये बहुत बड़ा मैसेज, खासकर 2019 के चुनाव को लेकर बहुत बड़ा संदेश दिया है, और एक तरह से कहा जाए कि ये मास्टर स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी का, जो बात जनता को अपने साथ चैनलाइज करने के लिए, जोड़ने के लिए, वो बहुत बड़ा संदेश। साथ में बता पाता इस वक्त जहाँ इस हॉल में है, अभी यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। मैं चाहूंगी जरा इन सफाई कर्मचारियों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें, ये कौन लोग हैं जिनके पांव धोए हैं प्रधानमंत्री ने और अंग वस्त्र से उन्हें सम्मानित किया है। शिवेंद्र, देखिए ये जो 5 लोग हैं, इनको इसके बारे में बहुत सूचना गुप्त रखी गई थी, पहले से कोई तय प्रोग्राम नहीं बताया गया था, लेकिन ये वही सफाई कर्मचारी हैं जिनको स्वच्छता ग्रही और स्वच्छता मित्र कहकर के लगातार प्रधानमंत्री बुलाते रहे, और आज उन्होंने स्वच्छता ग्रहियों को सम्मानित करने की भी बात कही थी, लेकिन ठीक उसके
प्रोग्राम से पहले उन्होंने किस तरह से 5-3 स्वच्छता कर्मियों को पैर धो करके अंगवस्त्र दे करके उनके पैरों को पोंछ करके जो संदेश दिया है उससे यहाँ पर जो बाकी स्वच्छता कर्मी है उनमें काफी उल्लास का माहौल है। और अभी अभी पीक स्टेज पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद उनका जो यहाँ पर स्वच्छता कर्मी है और दूसरे लोग हैं वो लोग खड़े होकर के इसी बात से स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी बात है, बड़ा संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की जो 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 स्वच्छता कर्मियों को, स्वच्छता के सिपाहियों को किस तरह से अपना आदर दिया है नरेंद्र मोदी ने, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आपको बता दें मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और छात्राओं की ओर से बैच लगाकर और देखिए अंगवस्त्र पहनाकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। उनके ठीक दाहिनी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है। लेकिन शिवेंद्र एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इसके मतलब मायने और इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। अब समाज के आखिरी छोर पर खड़े ये ऐसे लोग हैं जिनकी पूछ परख करने वाला शायद कोई होता नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री उनके पैर धोए, उनको इस तरह से सम्मान दे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और इसका असर समाज के हर आखिरी व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगा इन तस्वीरों के जरिए। शिवेंद्र देखिए बिल्कुल चित्रा, देखिए जिस तरह का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है इसके मायने बहुत बड़े हैं और बहुत दूर तक संदेश से जाएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को जब स्वच्छता का मिशन शुरू किया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे समारोहों में जहाँ पर पुस्तक विमोचन हो या दूसरे कागजात हो जो कि बाहर लोग अमूमन फेंक देते हैं उनको जेब में रहकर रख करके ये संदेश दिया था कि वो स्वच्छता को लेकर कितना गंभीर है। ऐसे ही स्वच्छता ग्रहियों के आज पैरों को धुल करके उन्होंने संदेश दिया कि चाहे वो आखिरी तबके का आदमी हो या फिर निचले स्तर का कोई भी कर्मचारी हो जो कि किसी भी तरीके से समाज में योगदान करता है वो कुछ नहीं है, सम्मान करने लायक है, आदर करने लायक है। शायद यही संदेश उन्होंने पैरों को धुल करके पोंछ करके उनको अंगवस्त्र दान करके दिया है। और ये इतना बड़ा मैसेज है कि इसके दूरगामी परिणाम न सिर्फ चुनाव में बल्कि समाज में एक धारा में एक साथ एक समरूप भावना पैदा करने के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ऐसा माना जा रहा है। ये जो 5 लोग हैं उनमें 3 पुरुष 2 महिलाएं हैं। जी बिल्कुल, इसमें से 2 महिलाएं और 3 पुरुष हैं जिनका चयन किया गया था और उन लोगों के पैरों को धुल करके प्रधानमंत्री ने संदेश जो दिया है उस संदेश का जो यहाँ पर लोग हैं दूसरे स्वच्छता कर्मी है वो खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और सभी का मानना है कि किस तरह कई संदेश देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है उसको अगर समाज के तमाम लोग अंगीकार कर लें, अपने आप में शामिल कर लें, तो शायद समाज के अंदर जो लोगों के बीच में असमानता है असमानता दूर होगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात शिवेंद्र आपने कही है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो स्वच्छता कर्मी होते हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं एक भेदभाव वाली स्थिति भी रहती है या फिर उनकी पूछ परख उस तरह से होती नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन तस्वीरों के जरिए ये हमारे लिए समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण है इस देश के लिए ये बताने और जताने की कोशिश की है। एक तरफ जहां असमानता को खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी की ओर से देखे किस तरह से, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि असली भक्ति तो यही है जब समाज के आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की इस तरह से पूछ परख होगी, इस तरह उनको सम्मान दिया जाएगा, उनके पांव धोए जाएंगे। आपको बता दें कि खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है जब कोई मेहमान घर में होता है, हालांकि ये काफी पहले होता था, अब तो इस तरह की परंपरा काफी ज्यादा कम हो गई है, सिर्फ गांवों में ही ऐसी परंपरा को निभाया जाता है। जब कोई बेहद खास मेहमान आता है तब उसके इस तरह से पांव धोए जाते हैं, उसके पांव को साफ किया जाता है, माना जाता है कि अतिथि ही भगवान है और उसका स्वागत सत्कार होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रयागराज में और पिछले 5 सालों में शिवेंद्र मुझे लग रहा है, अगर मैं गलत बोलूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, पहली बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है जब स्वच्छता कर्मियों को जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति होते हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं है उसको इतना सम्मान देकर किस तबके में मैसेज देने की कोशिश नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है इन तस्वीरों के जरिए। शिवेंद्र देखिए ये तस्वीरें जिस तरह की दिख रही हैं उन तस्वीरों ने बहुत कुछ एक बड़ा काम किया है लोगों की अवधारणा बदलने का और इसके बहुत दूरगामी परिणाम मिलने वाले हैं। इसको सिर्फ चुनाव की दृष्टि से देखना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि 2019 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा के लिए या दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह समानता का भाव पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छता कर्मियों के पैरों को धुला पोछा और उनको अंगवस्त्र दान किया है वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, जिससे सिर्फ चुनाव तक सीमित करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके जो परिणाम होंगे वो समाज को जो समानता लाने का काम करेंगे वो अवश्य करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर बड़ा संकोच रहता कि स्वच्छता कर्मी या नीचे स्तर के लोग उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री स्वयं ऐसे बड़े मौके पर इस तरह की संदेश दे रहा हो उसके बाद लोगों के मन की जो भ्रांतियां हैं वो टूटती हैं, लोगों के अंदर समानता का भाव पैदा होता है
और लोगों के बीच का जो ताना बाना है वो बहुत सुदृढ़ होता है। तो ये बड़ा मैसेज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में आज कुंभ के दौरान दिया है और इसके परिणाम बहुत जल्द और बहुत असरदार देखने को मिलेंगे। ये बड़ी बात शिवेंद्र आप कह रहे हैं, असमानता, छुआछूत, भेदभाव हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा कर बैठा हुआ है और जब देश का प्रधानमंत्री इन तमाम बातों को धता बताते हुए इनका इस तरह से सम्मान करे तो इसके मैसेज और इसके मायने बहुत अलग होते हैं। यकीन मानिए और उनके अंदर भी एक भरोसा पैदा होता है। आप देख पा रहे हैं ये कुल 5 लोग हैं जिनमें से 2 महिलाएं हैं, नई साड़ी पहनकर वहां पर बैठी हुई हैं। इनका उन तमाम सफाई कर्मचारियों में से चयन किया गया होगा और इनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न सिर्फ मुलाकात करने का मौका बल्कि प्रधानमंत्री मोदी खुद जिस तरह से भगवान का आदर सत्कार किया जाता है हिंदू परंपरा में उसी तरह से अतिथियों का किया जाता है और वही सम्मान ज्ञापित करते हुए देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता के सिपाहियों को और ये 5 तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से पूजा पाठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम तट पर किया है। दुग्धाभिषेक सबसे पहले किया, उसके बाद उन्होंने आरती की, प्रसाद बांटा, रक्षा सूत्र उनके हाथों में बांधा गया और इस रक्षा सूत्र के जरिए उन्होंने वहां पे मौजूद पुरोहितों का, पंडितों का आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद यकीनन जब देश का कोई बड़ा राजनेता ले रहा हो तो उसके एक ही मायने होते हैं, चुनावों में जीत का आशीर्वाद। कुंभ में मोदी मोदी की एक गर्जना इस वक्त दिखाई दे रही है। दिसंबर में भी हालांकि नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए थे लेकिन उस वक्त कुंभ की शुरुआत नहीं हुई थी और कुंभ शुरू होने के बाद पहली बार पहुंचे नरेंद्र मोदी, वहां पर न सिर्फ जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया बल्कि वहां पर मौजूद साधु संत में भी एक अलग तरह का माहौल है, खुशी का माहौल है क्योंकि मोदी सरकार से, योगी सरकार से उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने, आस्था की डुबकी उन्होंने जहां लगाई प्रयागराज में संगम त्रिवेणी के तट पर, तो वहीं दूसरी तरफ स्वच्छता के सिपाहियों को भी अपना प्रणाम अर्पित किया है और समाज के आखिरी छोर पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो साफ सफाई में हिस्सा लेते हैं, हर रोज इस समाज को साफ रखने का काम करते हैं, इस देश को साफ रखने का काम करते हैं, उनकी पूछ करने वाला कोई नहीं होता है, उनको पूछ परख वाला कोई नहीं होता है और उनको इस तरह का सम्मान देकर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा मैसेज दिया है इस समाज को कि हर एक व्यक्ति इस देश के लिए महत्वपूर्ण है और उसको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है और इनका वो अधिकार है कि वो समाज के बड़े लोगों से भी इस तरह का सम्मान पाए। स्वच्छता को प्रणाम किया है नरेंद्र मोदी ने उनके पांव धोकर। आपको बता दें कि वहां पर पीतल की थाली रखी गई थी, तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में पानी भरा हुआ था। सबसे पहले तांबे की थाली में पैर रखा प्रधानमंत्री ने इन स्वच्छता के सिपाहियों का, उसके ऊपर जल चढ़ाया, उनके पांव धोए, तौलिए से साफ करते हुए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद अंगवस्त्र पहनाकर इन सभी को सम्मानित किया है देश के प्रधानमंत्री ने। कुंभ के आखिरी दिन सबसे बड़ी डुबकी लगाई गई। पीएम मोदी संगम तक आए, पवित्र संगम में डुबकी लगाई और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। मोदी ऐसे वक्त में कुंभ आए जब देश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, चुनावी अश्वमेघ बस रवाना ही होने वाला है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का ये पर्व खत्म होने पर आया तो कुंभ की पवित्र जमी पर खुद पीएम उतरे। मोदी के आने की तैयारियों में कुंभ की जबरदस्त सजावट की गई। प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर मोदी के पोस्टर सजे। मोदी सीधे बाबा गोरखनाथ के धाम से प्रयागराज आए थे। चुनावी वेला है इसलिए राजनीतिक बातें भी हो रही हैं। दरअसल इसी कुंभ में बीजेपी के तमाम नेता आए, सबने बारी बारी से संगम में डुबकी लगाई। इसी कुंभ में साधु संतों का मेला भी लगा। इसी कुंभ में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद भी हुई। लगा कि चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी कहीं फंस न जाए, लेकिन कुंभ खत्म होते होते राम मंदिर पर हिंदू संगठन नरम दिख रहे हैं। ये अलग बात है कि जनता के दिल से मंदिर का मुद्दा उतर नहीं रहा। मोदी ने संगम की गहराइयों में उतरकर बड़ा सियासी संदेश दिया है। हिंदू आस्था के सवाल पर मोदी सरकार सबसे आगे खड़ा दिखना चाहती है, इसलिए पीएम मोदी खुद चलकर कुंभ आए और संगम में डुबकी लगाई। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आशुतोष, प्रयागराज,
आज तक। ये तस्वीरें अपने आप में इसलिए खास हैं क्योंकि एक तरफ संगम में मोदी ने डुबकी लगाई, गंगा की भक्ति की, तो स्वच्छता को भी शक्ति देने की कोशिश उनकी ओर से की गई है। आस्था की डुबकी और स्वच्छता को प्रणाम की ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू के बाद, यानी कि देश के पहले प्रधानमंत्री के बाद, संगम में डुबकी लगाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। प्रयागराज वो दिसंबर में भी पहुंचे हुए थे और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ उनकी आस्था की डुबकी, वहीं दूसरी तरफ स्वच्छता को प्रणाम, प्रयागराज के दौरे पर नरेंद्र मोदी। और एक बार फिर से, चूंकि इन तस्वीरों के मायने और मतलब बहुत ज्यादा हैं,